भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खत्म हो गया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 132 रन बनाकर अपने 4 विकेट गंवा दिए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत पर ऑस्ट्रेलिया 175 रनों की मजबूत बढ़त बनाए हुए है। पर्थ में चल रहे टेस्ट मैच को लेकर भारत के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ की। बेदी ने कहा कि विराट की तारीफ की लेकिन उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को लेकर बड़ी बात भी कही। बेदी ने कहा कि रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली, उनका बल्लेबाजी देखना काफी लाजवाब था। बेदी ने यह भी कहा कि विराट और रहाणे को एक दूसरे का अच्छा साथ मिला जो काफी दिलचस्प था। वहीं पूर्व कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर कहा कि इस तरह के क्रिकेट को किसी से भी नहीं बदला जा सकता, ना ही T20 से, ना ही 100 गेंद के क्रिकेट से। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में जीतने को लेकर बेदी ने कहा कि मैं भविष्य वक्ता बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं भविष्यवाणी करूँ क्योंकि दोनों टीमें बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से लव कुमार की रिपोर्ट।